गाइस वेलकम टू रबिया स्किन केयर और मैं हूं राबिया और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं नाइट क्रीम्स के कुछ ऑप्शंस जिनको आप अपनी डेली स्किन केयर रूटीन में यूज कर सकते हैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने के लिए तो चलिए देखते हैं वो ऑप्शंस क्या है लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी जरूर करना तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला ऑप्शन जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूं वो ये O3 प्लस की मेलाडर्म क्रीम ये है बेसिकली ब्राइटनिंग और व्हाइटनिंग क्रीम मैं इसको सजेस्ट करूंगी नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए अगर आपकी स्किन ऑयली है अगर आप यूज करना चाहते हो तो बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में यूज करें अगर इसके टेक्सचर की बात करें बहुत ही लाइट वेट है आपकी स्किन में बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है अब्सॉर्ब हो जाती है बिल्कुल भी हैवी नहीं लगती चिपचिपी नहीं लगती और आपकी स्किन को परफेक्टली मॉइस्चराइज भी करती है अगर बात करें इसके रिजल्ट की तो इस क्रीम का कहना यह है कि आपकी स्किन को रिजुवनेट करता है ओवरनाइट नरिश करता है रिपेयर करता है और आपको एक फेयरर कॉम्प्लेक्शन देता है मेरी बात करूं तो मुझे इसका ब्राइटनिंग इफेक्ट ज्यादा अच्छा लगा है एज कम्पेयर टू व्हाइटनिंग ये आपकी स्किन को डेफिनेटली रिजुवनेट करती है एक दो हफ्ते में आप अपनी स्किन में अच्छा चेंजेस देख पाओगे आपकी जो डल स्किन है ब्राइट और रेडिएंट आपको लगेगी एवरी नाइट जब आप इसको अप्लाई करोगे मॉर्निंग में ही आपकी स्किन आपको ग्लोइंग जरूर दिखेगी तो व्हाइटनिंग का इतना कुछ खास नहीं है हल्का फुल्का स्किन टोन में आप अपने चेंजेस देख पाओगे पिगमेंटेशन वगैरह इतनी कोई खास रिड्यूस नहीं होंगी फिर भी मैं आपको इसको रिकमेंड करूंगी ओवर अदर ब्राइटनिंग और व्हाइटनिंग क्रीम्स जैसे लोटस लैक्मे की जो मैंने यूज की हूँ वो मुझे मॉइस्चराइजर के अलावा और कुछ भी नहीं लगती तो उनके सामने अगर मुझे इसको सजेस्ट करना पड़े तो मैं इसको सजेस्ट करूंगी ओवरऑल रेटिंग अगर मुझे इसको देनी पड़े तो मैं दूंगी 4 out of 5 अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो इसकी MRP है 650 rupees 50 ग्राम का आपको प्रोडक्ट मिलेगा अमेजोन से अगर आप लोगे तो आपको 600 के आसपास भी शायद ये क्रीम मिल जाएगी तो सारी जो प्रोडक्ट लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगी आप इसको चेक कर सकते हो तो ये था मेरा पहला ऑप्शन बढ़ते हमारे सेकंड ऑप्शन की तरफ दूसरा ऑप्शन मैं दूंगी आपको एंटी एजिंग नाइट क्रीम के लिए बहुत सारे एंटी एजिंग क्रीम्स मैंने यूज की है लेकिन जिसका मुझे बेस्ट रिजल्ट्स मिला है वो है वाओ की ये एंटी एजिंग नाइट क्रीम इसके इंग्रेडिएंट्स काफी नेचुरल साइड की तरफ है इसमें एलोवेरा जूस शिया बटर ऑलिव ऑयल हाइलुरोनिक एसिड विटामिन सी विटामिन ई का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ये आपकी स्किन को परफेक्टली मॉइस्चराइज भी करता है मॉर्निंग में जब आप उठोगे आपकी स्किन आपको डेफिनेटली ग्लोइंग महसूस होगी क्रीम का कहना है कि आपकी स्किन से लाइंस को रिड्यूस करता है इलास्टिसिटी बढ़ाता है एज स्पॉट्स ब्लेमिशेस को रिड्यूस करता है और आपके फेस पे यूथफुल ग्लो ऐड करता है ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं है कि ये भी वो भी जितना कहा है उतना डेफिनेटली करता है 10-15 डेज में आपको आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ बिल्कुल रिजुवनेटेड दिखेगी डलनेस आपकी चली जाएगी लॉन्ग टर्म रिजल्ट की बात करें तो इसका एंटी एजिंग इफेक्ट बहुत ही अच्छा है इसको रेगुलर यूज करने से आपकी जो लाइंस है वो रिड्यूस हो जाएगी आपकी स्किन प्लम्प हो जाएगी और आपके फेस पे एक यूथफुल ग्लो भी आएगा तो इसको मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी एज अ नाइट क्रीम अपनी स्किन केयर में आप इसको यूज कर सकते हो क्रीम की बात करें तो इसका टेक्सचर बहुत ही लाइट वेट है बहुत अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है प्लस सारे स्किन टाइप के लिए सूटेबल है और इसका सबसे बेस्ट पॉइंट है कि इसमें कोई पैराबेन कोई मिनरल ऑयल कोई सल्फेट कुछ भी नहीं है अगर मुझे इसको रेटिंग देनी पड़े 5 में से तो मैं इसको दूंगी 4.5 MRP है इसकी 699 rupees 50 ml का आपको प्रोडक्ट मिलता है अमेजोन से अगर आप इसको परचेज करोगे तो 650 rupees के आसपास इसको कुछ मिल जाएगी लिंक अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो अभी तक की फिलहाल मुझे बेस्ट एंटी एजिंग नाइट क्रीम लगी है तो मैं इसको आपको जरूर सजेस्ट करूंगी तो ये था मेरा सेकंड ऑप्शन अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन की तरफ अगर आप बजट में कोई ऐसी नाइट क्रीम ढूंढ रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी मेरा तीसरा ऑप्शन दैट इज हिमालया की ये रिवाइटलाइजिंग नाइट क्रीम ये बेसिकली है ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए इनके हिसाब से लेकिन क्रीम मुझे ज़्यादा हेवी नहीं लगी है बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं लगी है अच्छे से ब्लेंड हो जाती है इसका टेक्सचर भी बिल्कुल क्रीमी है सॉफ्ट है तो इसको मैं ऑयली और नॉर्मल स्किन वालों के लिए भी सजेस्ट करूंगी आप इसको यूज़ कर सकते हो इसमें टमाटो और वाइट लिली एक्सट्रैक्ट ज़्यादा यूज़ किया है और नेचुरल ऑयल्स के कॉम्बिनेशन है ये आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है हाइड्रेट करता है रिपेयर भी करता है रिन्यू करता है रिजुवनेट करता है जो आपके सेल्स है उसको रिन्यू करता है और सबसे अच्छा मुझे इसका जो टेक्सचर है सबसे मतलब बहुत सॉफ्ट है इसका टेक्सचर आपकी स्किन को भी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है मॉर्निंग में आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ और ग्लोइंग और रेडिएंट लगती है प्लस ये अल्कोहल फ्री और पैराबेन फ्री प्रोडक्ट है इसकी कॉस्ट और इसका रिजल्ट वगैरह कंपेयर करने के बाद अगर मुझे इसको रेटिंग देनी पड़े 5 में से तो मैं इसको दूंगी 4.2 तो इसको आप जरूर ट्राई कर सकते हो अगर आप बजट के अंदर कोई नाइट क्रीम ढूंढ रहे हो तो ये था मेरा तीसरा ऑप्शन अगर आप और भी ज़्यादा बजट में कोई अच्छी नाइट क्रीम ढूंढ रहे हो और अगर आपकी स्किन ड्राई टू नॉर्मल है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी जॉनसन्स का ये बेबी मिल्क क्रीम इसका टेक्सचर थोड़ा सा थिक है लेकिन आपके स्किन पे इतनी हैवी नहीं है बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाती है ये मैं इसको ड्राई स्किन वालों के लिए ज़्यादा रेकमेंड करूंगी लेकिन इतनी कोई ग्रीसी ऑयली नहीं है तो नॉर्मल स्किन वाले भी इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं सबसे बेस्ट पार्ट इसका है कि ये बेबी प्रोडक्ट है तो ये बहुत ही जेंटल है माइल्ड है इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है अगर इसके इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो ये नेचुरल मिल्क एक्सट्रैक्ट्स और विटामिन ई से बना है तो ये आपकी स्किन को नरिश करता है हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता प्लस ये क्रीम के टेक्सचर की वजह से आपकी स्किन पे ज़्यादा टाइम के लिए
लिए रहती है तो आपकी स्किन ज़्यादा टाइम के लिए मॉइस्चराइज रहती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आप नरिशिंग मॉइस्चराइजर चाहते हो अपनी स्किन के लिए वो भी बजट में, तो मैं आपको इसको रेकमेंड करूँगी। इसकी MRP है कुछ 145 रुपीज़। अगर आप इसको अमेजोन से लेने जाओगे तो ये अगेन आपको 120 के आसपास गिरेगी। तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो। तो ये था मेरा फोर्थ ऑप्शन आपके लिए। अब लास्ट ऑप्शन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ऑलरेडी मैं अपने स्किन केयर रूटीन में आपको बता चुकी हूँ, और वो है ये फेस शॉप का जेजू एलोवेरा जेल। ये ऐसी व्हाइट पैकेजिंग में आता है और ये 99% प्योर एलोवेरा जेल है। इसका टेक्सचर मुझे बहुत पसंद आता है, बिल्कुल प्योर एलोवेरा जेल की तरह लगता है। फेस पे ये आपको बिल्कुल सूदिंग लगता है, बिल्कुल हाइड्रेटिंग लगता है। ऑयली कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव स्किन वाले इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं, और बाकी स्किन टाइप जैसे मैं इसको अपने फेस पे एज अ सीरम भी यूज़ करती हूँ, कुछ एसेंशियल ऑयल्स डालती हूँ, तो ये मेरी परफेक्ट नाइट क्रीम बन जाती है। इसको नाइट क्रीम की तरह यूज़ करती हूँ, इसको मैं अपने फेस मास्क में, शीट मास्क में अलग अलग तरीके से यूज़ करती हूँ, हेयर पे एज अ सीरम यूज़ करती हूँ। इसके बहुत ही लाइक मल्टीटास्किंग है, तो इसको आपको डेफिनेटली एक बार ट्राई करना चाहिए। इसकी MRP मुझे अभी फिलहाल याद नहीं है, लेकिन मैंने इसको कुछ 312 रुपीज़ में लिया था। इसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर मुझे इसको रेटिंग देनी पड़ी 5 में से तो मैं इसको दूंगी 4.5। और इसका बैम्बू जेल भी आता है, वो भी अगेन बहुत सुपर्ब है। आपको दोनों में से एक तो एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए, दैट इज माई रिकमेंडेशन टू यू। तो ये थे मेरे 5 सजेशंस नाइट क्रीम के आपके लिए। अगर आपने इसमें से कोई नाइट क्रीम्स यूज़ की है तो आप अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करना। इसके अलावा अगर आपने कोई नाइट क्रीम यूज़ की है और अगर आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है तो वो भी ज़रूर शेयर करना, ताकि इससे औरों को भी हेल्प मिलती रहे। ये था मेरा आज का वीडियो आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करना, और ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।